हमारी सरकार अपने देश के महावीरों महायोद्धाओं से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, ये इसी का उदाहरण है, ये हमारी प्रतिबद्धता है 130 करोड़ भारतवासियों के जीवन की सुरक्षा के लिए। हम कहीं पर भी घुस करके मार सकते हैं। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप खुश हैं? मोदी सही कर रहा है, इससे सुरक्षा बढ़ेगी, आतंकवादी खत्म होंगे। भाइयों बहनों, इसके लिए हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे। भाइयों और बहनों, इसी प्रतिबद्धता की वजह से आतंकवाद को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सपूतों ने अभी बहुत सीमित दायरे में कर दिया है। अब आपको मंदिरों में, बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर बम धमाके की खबरें नहीं सुनाई देती है। ये धमाके बंद हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? लेकिन ये मोदी के डर के कारण बंद हुआ है, अभी वो सुधरे नहीं है, खतरा अभी टला है, खत्म होना बाकी है। आज भी हमारे आसपास आतंकी नर्सरी चल रही है। साथियों, आतंक की इस नर्सरी को आप मुझे बताइए, ये आतंक की इस नर्सरी को ये सपा बसपा वाले बंद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? वो कांग्रेस जो कहती है कि आतंकियों से लड़ने वाले हमारे सैनिकों का विशेष अधिकार अफसा हटा देंगे, क्या ऐसी कांग्रेस आतंक से लड़ सकती है क्या? ये वो लोग हैं जो आतंक के गोला बारूद में भी भगवा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके राज में आतंक के स्लीपर सेल्स देश भर में फले फूले हैं।